देश के सामने आ गया है। हाथरस केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में पीड़िता के साथ बलात्कार और हत्या की बात मानी गई है। इस चार्जशीट से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सीबीआई के पास क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस हैं, गवाह हैं कि यह गैंग रेप था और बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया गया था। अब कहां छिप गए हैं वो लोग जो कह रहे थे गैंग रेप हुआ ही नहीं। हाथरस की घटना में रेप की पुष्टि नहीं हुई। बलात्कार की तो बात ही नहीं है कविता। ना तो गैंग रेप की पुष्टि हुई, ना उसमें रेप की पुष्टि हुई। ये सामूहिक बलात्कार का मामला बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक कहीं पे इसके सबूत दिखा दो कि सामूहिक बलात्कार हुई है। तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। आज तो सीबीआई ने बता दिया है कि गैंग रेप हुआ है, अब तुम पर मुकदमा चलना चाहिए। तुमको सीबीआई ने आरोपी क्यों नहीं बनाया? अब मेरा प्रश्न ये है, अब वो कहाँ छिप गए हैं जो इसको ऑनर किलिंग बता रहे थे? जितना मैं समझ पा रही हूँ वो ये कि संदीप की लड़की से दोस्ती थी, वो ये कि संदीप और लड़की की दोस्ती से एतराज था लड़की के परिवार वालों को, और वो ये कि इसी वजह से लड़की की पिटाई लड़की की माँ और भाई ने की, जो वजह बनी लड़की की मौत की। ये पहलू आरोपी की तरफ से खुद सामने रख दिया गया है। बाकायदा पुलिस को चिट्ठी लिखकर आरोपी ने ये हॉरर किलिंग वाला एंगल सामने रख दिया है। जो नैरेटिव फ्लोट किए गए, सोचिए कादंबिनी कि अक्यूज्ड जेल से लेटर लिखता है एसपी हाथरस को, वो लेटर एसपी हाथरस के पास पहुंचने से पहले मीडिया के पास पहुंच जाता है, जिसमें अक्यूज कह रहे हैं मैंने नहीं मारा है, वो पीड़िता के भाई ने मारा है। वो लेटर अक्यूज लिखता है और वो मीडिया पर पहले आ जाता है। कैसे कॉल रिकॉर्ड जो अक्यूज की और जो पीड़िता के भाई की कॉल रिकॉर्ड कैसे मीडिया में सामने आ जाती है, और उस पर आज तक अभिषेक ऑन रिकॉर्ड आकर के पुलिस ने नहीं कहा कि ये कॉल रिकॉर्ड कहां से आए, वो मीडिया को जारी कर दी जाती है पीछे। जी न्यूज पर कल ही हमने आपको बताया था कि पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनके बीच में फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी। तो ये खबर भी सिर्फ रिपब्लिक भारत पर है कि आरोपी और पीड़िता के बीच में 104 फोन कॉल कैसे हो गए? सबसे पहले हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड दिखाया जी न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव जानकारी, इतनी बातचीत हो रही थी, यानी कि संबंध तो रहे होंगे किसी तरह के, दोस्त तो थे, प्रेम संबंध थे। क्योंकि आप देखिए गांव के लोग कह रहे दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। इससे तो पूरा मामला ही बदल गया। एक गरीब दलित परिवार की बेटी के साथ इस प्रकार की घटना बहनों भाइयों, ये हैरान करती है, ये विचलित करती है, ये बताती है कि समाज में जघन्यता किस प्रकार के भरी हुई है। और उससे भी घटिया बात, इस प्रकरण को लेकर जिस प्रकार के चारित्रिक खनन की कोशिश गुड़िया के साथ हुई, वो उससे बड़ी निर्लज्जता किसी सभ्य समाज के लिए हो नहीं सकती है। किसी सिविल सोसाइटी के लिए ऐसी निर्लज्जता भरा घटनाक्रम हो नहीं सकता कि हमने पीड़िता को विक्टिम शेम की कोशिश की, हमने उनके परिवार को अपमानित करने का प्रयास किया। परिवार को तो भड़काया गया, फिर उस एजेंडे को आगे बढ़ाया गया। वहां फोन करके पीड़ित परिवार को सिखाया जा रहा था कि आपको क्या कहना है। आप सोचिए ना, कितनी बड़ी हाथरस को लेकर साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी, दंगों की साजिश थी, फंडिंग का तमाम वो चीजें। 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है, उसमें 50 करोड़ तो सिर्फ मॉरिशस से आया यहाँ पे जातीय दंगा फैलाने के लिए। सोचिए कि इस देश में गैंग रेप पीड़िता और इसका मर्डर हुआ हो, जिनके पास खाने के लाले हो, उनको बताया गया कि उनको करोड़ों की फंडिंग हुई है, आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया, आज तक नौकरी नहीं दी गई। आज कहीं ना कहीं सीबीआई ने जो आपके सारे आरोप हैं उनकी पुष्टि की है, उन पर मोहर लगाई है। मुझे पता है बहुत मुश्किल है आपके लिए, लेकिन कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक कह रहे, तुम लोगों ने ठीक किया है हमारे साथ, हमको न्याय मिलने चाहिए मेरी बेटी को। आज आपको उम्मीद थी कि सीबीआई की जांच में दूध का दूध पानी की पानी होगा? हमको नहीं उम्मीद थी, आप लोगों ने कराया। यहाँ गांव में कितना मुश्किल था आपके लिए, ये 3 या 4 महीने कितने मुश्किल रहे? आप पर क्या क्या आरोप लगाए गए, जरा बताइए दर्शकों को। सर हमें तो क्या कहते हैं आरोप का, हमारे बेटों को ही उल्टा फंसाने की कोशिश करी गई इन लोगों ने, और क्या कहते हैं हमें तो यही तसल्ली नहीं हो रही थी कि हमारी तो बेटी चली गई, ये लोग उल्टा आरोप लगा रहे हैं, और आसपास के गाँव जो है उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि ये तो मतलब झूठा केस है। तमाम नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंसाफ होते दिख रहा है। जो चारों आरोपी हैं इस पूरे मामले में, सीबीआई ने उनको गैंग रेप और मर्डर का दोषी पाया है। और हाथरस मामले में झूठ फैलाने और काल्पनिक खबरों पर रिपोर्ट तैयार करने वाले ऐसे पत्रकारों को ये बात
अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। दोस्तों, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सच्चाई की सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को बेनकाब करना जरूरी हो गया है। बहिष्कार ही इनका इलाज है दोस्तों। आइए और इनका पक्का इलाज करिए।